आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले थे क्या? इफ वाला तो हो गया था, है ना? सिलेक्टिव तो हो चुका था, आज हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो, लूपिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले लूप का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ये पढ़े, पहले पढ़े हम लोग सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट पढ़े ना, ठीक है? फिर क्या पढ़े? सिलेक्टिव सिलेक्टिव स्टेटमेंट, यहां पर हम लोग सिलेक्ट किए एक से ज्यादा ऑप्शन रहने पर। फिर क्या किए? रिपीटेटिव पढ़ रहे हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, STMT भी लिखते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट STMT और S का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है? सिक्वेंशियल हम लोग देख चुके थे, सिलेक्टिव मतलब इफ वाला हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग को रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स देखना है। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स मतलब होता है लूप, LOOP, ठीक है? लूप मींस अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली, एक टास्क को बार बार करना, उसी को आइट्रेटिव या रिपीटेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? एक ही काम को बार बार करना, ठीक है? जैसे मान लो हम लोग को सिंपल एक चीज करना है, जैसे मान लो इंडिया को 5 बार प्रिंट करना है, 5 times प्रिंट, ठीक है? तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, दिखा देते हैं तुम लोग को। ये हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे? प्रिंट इंडिया ऐसे लिख लिए, ठीक है? प्रिंट इंडिया 5 बार प्रिंट करना होगा तो हम लोग स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, ठीक है? इसको हम लोग यहां पर कॉपी कर लेते हैं, जैसे स्क्रिप्ट मोड में ये हम लोग एक साथ में देख पाएंगे, Ctrl C। यहां पर स्क्रिप्ट मोड में आ गए, न्यू फाइल में गए, न्यू फाइल हमारे पास है, Ctrl V, फिर से हम लोग Ctrl V, कितना बार प्रिंट करना? 5 बार प्रिंट करना, 5 बार कर दिए, और यहाँ पर जाके हम लोग रन कर दिए। इस फाइल को सेव करने के लिए कहा जा रहा है, तो P1 नाम रख देते हैं, Print1, P1 रख दिए, P1 से ये बात हो गया, और देखो ये 5 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है? सो दिस इज अ टास्क, उस टास्क को हमने कितना बार लिखा? 5 बार प्रिंट करने के लिए टास्क एक ही था कि इंडिया को 5 बार प्रिंट करना है, बट वी हैव टू राइट 5 times, मतलब 5 बार लिखे। अगर ये 50 बार होता तो कितना लिखते? 50 बार लिखते। अगर 5000 बार रहता तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि 5000 बार लिखे? अगर ये पॉसिबल है तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि तब कंप्यूटर का क्या काम? 5000 बार हम लिख रहे हैं और उसको 5000 बार टाइप करके लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इस चीज को रखने के लिए किसी भी लैंग्वेज में तुमको लूपिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो पाइथन में भी लूपिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? उस लूपिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस लूपिंग स्ट्रक्चर का नाम है, एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। ये 2 तरह का लूप यूज होता है, ठीक है? समझ में आया? अब किसी भी लूप का कुछ चीज होता है, देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ लूप। लूप का कंपोनेंट क्या क्या होता है? तो पहला होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है? जिसमें इनिशियल वैल्यू डालते हैं, पहला हो गया इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। दूसरा हो गया हमारा कंडीशन, कि क्या कंडीशन रहेगा कि तब तक वो लूप चलेगा, तो कंडीशन। तीसरा हो गया उसका टास्क या स्टेटमेंट, या उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड, या उसका एक और नाम है दैट इज बॉडी, बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। और फोर्थ में है ये क्या है, दैट इज काउंटर, CONTER, काउंटर या अपडेशन, काउंटर या अपडेशन या मॉडिफिकेशन जो बोल लो, ठीक है। सो दीज आर थ्री फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ लूप। किसी भी लूप का ये चार कॉम्पोनेंट होना बहुत जरूरी है, समझ गए। Yes. अब देखो एक टास्क मान लो, एक टीचर है, टीचर ठीक है, ये स्टूडेंट से कहता है, ठीक है, स्टूडेंट से कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग 10 पेंसिल्स फॉर मी, ठीक है। क्या ये टास्क रिपीटेटिव टास्क है? प्लीज ब्रिंग 10 पेंसिल्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। नो सर, रिपीटेटिव भी कर सकते हैं सर, और एक बार में भी। मार्केट मतलब ये स्टेटमेंट रिपीटेटिव टास्क नहीं बोलता है, प्लीज ब्रिंग 10 पेंसिल फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, तो वो बच्चा क्या करेगा, हो सकता है, है ना, मतलब वो एक बार में जाएगा 10 पेंसिल खरीद के लेके सर को दे देंगे, सो दैट इज अ सिंगल टास्क। अब अगर इस स्टेटमेंट को बदल दिया जाए, प्लीज ब्रिंग 10 पेंसिल्स फॉर मी फॉर द मार्केट वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम, वन वन पर डे, ठीक है, वन पर डे, तो ये रिपीटेटिव टास्क हुआ। मतलब एक बार में नहीं खरीदना है, उसको हर एक दिन एक पेन लाके देना है, ठीक है, तो ये रिपीटेटिव हो गया। लेकिन अगर वन पर डे नहीं बोलते तो वो एक बार में खरीदता और टीचर को दे देते, सो दिस इज नॉट द रिपीटेटिव टास्क, लेकिन ये वाला रिपीटेटिव टास्क है। अब देखो, अब ये कब तक चलेगा, तो अभी टीचर के पास, टीचर के पास टी लिख रहे हैं, टीचर के पास कोई पेंसिल है नहीं है, इसका मतलब वो जीरो हो गया, टीचर के पास कोई पेंसिल नहीं है, तो कितना है टीचर के पास पेंसिल, जीरो। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। क्या कंडीशन होगा, कब तक वो लाएगा, जब तक कि टी इज लेस देन 10 रहता है ना, मतलब अभी जीरो है लेकिन उसके पास कितना चाहिए, कितना चाहिए, नाइन होना चाहिए, इसलिए 10 दिए हैं, लेस देन 10 है मतलब 9 तक वो जाएगा, जीरो से शुरू होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन, ठीक है। टास्क क्या है, टू ब्रिंग ब्रिंग अ पेंसिल, पेंसिल टू ब्रिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल लाना है एक दिन में, और जैसे ही वो लाएगा तो वो अपडेट भी हो जाएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू टी प्लस वन, जैसे एक लाया तो वो काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई एक आ गया, फिर दो आ गया, तीन आ गया, जब वो नौ मतलब 10 आ जाएगा उसके पास, टीचर के पास, तो वो बोल देगा कि ठीक है भाई हो गया है स्टॉप,
Whatever the task you have doing, please stop. Now the condition has been fulfilled. That is, T is equal to I have the 10 pencils. Please stop. समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ठीक है, वाई से तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू जीरो. यहां वाइल लिखे, इनिशियलाइजेशन हो चुका है, वाइल लिखे, वाइल ए इज लेस देन, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है इसलिए ही लेस देन होगा, लेस देन टेन हो गया. अब हम लोग प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट मतलब वर्चुअली हमारे पास पेंसिल आ गया, तो पेंसिल लिखे हैं आ जी ए वाई आ गया. सो दिस इज द मैसेज, पेंसिल आ गया. एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस वन. ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा सकते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं. तो फर्स्ट वन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. यहां पर जो है ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द टास्क, ये टास्क हो गया और ये उसका अपडेशन हो गया. जैसा हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल में देखे वो चीज हो गया. अब हम लोग इसको रन कराते हैं. ठीक है, यहां पर रन करा रहे हैं, देख लो. तो हाउ मेनी टाइम इट हैज बीन डिस्प्लेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 पेंसिल अब आ गया है. अब जो है हम उसको स्टॉप बोल दिए हैं और उसको वापस आ गए हैं. ठीक है, सो दिस इज द कोडिंग, दिस इज द कोड. अब जो है, अब मान लो अगर हम लोग यहां पर वन डाल देते तो यहां क्या डालना पड़ता, 11. यहां पर या तो 11 डालते या हम लोग इक्वल टू डालते, है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, और नहीं तो फिर 11 डाल दो. और अब हम चाहते हैं कि वो दिखाए, पेंसिल आ गया कॉमा पेंसिल नंबर इक्वल टू कॉमा, यहां पर कर देंगे ए. ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखो. देखो ठीक है ना, अभी पेंसिल आ गया पेंसिल नंबर वन, पेंसिल आ गया पेंसिल नंबर टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एंड लास्ट में 10 भी होगा. देखो 10 भी है, इजंट इट, ये सही है ना. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि वाइल से हम लोग उसको मतलब किसी भी टास्क को रिपीट कर पा रहे हैं. ठीक है, सो द अनदर थिंग इज, अभी हम लोग इसको फिर से इसको यहां तक बढ़ा देते हैं. सर ए इक्वल टू ए प्लस वन मतलब समझे, जब मान लो एक चौक लाके तुम दिए हमको, तो हम बोले कि हाँ मेरे पास एक आ गया, तो इनिशियली द वैल्यू, मेरे पास कोई चौक नहीं था या पेंसिल नहीं था, तुम जब एक पेंसिल लाके दिए हमको, ए का वैल्यू को तो बढ़ाना होगा ना, मतलब मेरे पास तो एक पेंसिल आया ना. फिर जब तुम दोबारा लाके दिए तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास पेंसिल था उसको और जो तुम लाके दिए उसको ऐड तो करना पड़ेगा ना, क्या? Yes. समझ गया ना. फिर जब तुम तीसरे दिन दूसरा वाला लेके आए, ठीक है, मतलब तीसरा दिन तीसरा ही पेंसिल लेके आए, हम उसको काउंट करेंगे ना कि ये थर्ड है भाई, तीसरा तीसरा पेंसिल है, चौथा पेंसिल है, पांचवा पेंसिल है, छठा है. इस तरह से जब दसवां पेंसिल आएगा तो तुमको बोलेंगे ना, अर्णव बस हो गया, है ना, 10 पेंसिल मेरे पास आ गया, टास्क पूरा हो गया. तो मेरे पास तो काउंटर होना चाहिए काउंट करने के लिए. अंडरस्टूड? और कुछ क्लियर करना है तो बोलो, तो हम यहां पर प्रैक्टिकली तुमको दिखा सकते हैं.
और दिमाग में कुछ है, मतलब कुछ पूछना चाह रहे हो, नहीं पूछ पाए, या मेरे जो समझाए हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो पूछो। और कोई सवाल हो अर्नव तो एकदम आराम से पूछो, ना, अभी ठीक है ना। देखो हमेशा ये चीज समझो कि जो a इज इक्वल टू ए प्लस वन है, ये इनिशियली a इज इक्वल टू वन था, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। अब a का वैल्यू कितना हो गया, टू, तो वो टू लेगा, है ना। फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, इस तरह से वो 10 तक जाएगा। समझ गए, व्हाइल लूप समझ गए, तब हम लोग फॉर लूप में जाएंगे। समझ गए इसको, यस सर, यस चलो अब हम लोग फॉर लूप में चलते हैं। तो फॉर लूप में जाने से पहले हम लोग को एक फंक्शन है जिसका नाम है रेंज, उसको हम लोग देख लेते हैं। रेंज ऑफ मान लो हम लोग 10 लिखते हैं, और इससे पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब ये क्या देगा बताओ, रेंज फंक्शन क्या देता है? वही 0 से 9 देगा सर। 0 से 9 देगा। तो हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं, है ना। फिर ये सेव करने के लिए बोलेगा, देखो ये 0, रेंज 0 से 9, मतलब 0 से 10 देगा, मतलब ये प्रिंट करेगा 0 to 9, है ना। क्योंकि उसका इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग लिए नहीं, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम, डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू दिखा दिया, तो आर ए एन जी ई यहां पर अगर देंगे, ठीक है, तो ये उसी तरह से देंगे। जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। आर ए एन जी ई रेंज, इसका 3 पैरामीटर होता है। एक होता है 0, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट। एक होता है इसका स्टॉप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू अगर 9 10 देंगे तो वो 9 तक जाएगा, और वो उसका होता है स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो ये है क्या चीज, हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं। देखो रेंज में हमारा 3 पैरामीटर है, क्या क्या पैरामीटर है उसको समझ लेते हैं। आर ए एन जी ई रेंज, यहाँ लिखे हैं स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप, और ये होता है स्टेप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू किसका क्या होता है वो देख लो, याद रखने का कोशिश करना है। स्टार्ट का जो होता है वो होता है 0, ठीक है। स्टॉप का जो होता है वो होता है जो भी वैल्यू देंगे, स्टॉप -1 होता है, ठीक है, जो भी देंगे वो स्टॉप -1 होगा। और स्टेप का होता है 1, ये होता है उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट मतलब वो अगर कुछ भी नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। स्टॉप का मतलब स्टॉप -1 होता है, और स्टेप का मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, और आगे पीछे तुम बढ़ा सकते हो, माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको आते हैं फॉर लूप में बनाते हैं, ठीक है। फिर से हमारे पास वही टास्क है, टीचर आस्क टू द स्टूडेंट टू ब्रिंग 10 पेंसिल 1 by 1, वन डे वन वन पेंसिल पर डे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट में हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। हम लोग क्या दिए थे वहां पर, पहले हम लोग कुछ भी नहीं दिए थे, तो मान के चलो कि वो 0 था, तो 0 देंगे तब भी चलेगा, 0 नहीं देंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर 10 देंगे, ठीक है,
और यहाँ पर स्टेप वैल्यू अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, वो हो गया वन, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखे थे, पेंसिल आ गया, ठीक है, पेंसिल आ गया, कॉमा देके हम लोग पेंसिल का भी वैल्यू लिखे थे, पेंसिल नंबर ऐसा भी लिखे थे, कॉमा, यहां आई में सारा वैल्यू है तो आई दे दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, या कुछ गलत किया है, ठीक है। देखो आ गया, आया तो पेंसिल आ गया, पेंसिल नंबर जीरो, पेंसिल नंबर वन, पेंसिल नंबर टू, लेकिन क्या है, ये दस पेंसिल तो आ गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि जीरो पेंसिल आ गया, मतलब जीरो जीरो, हम काउंट उसको जीरो से कर रहे हैं, इसलिए जीरो टू नाइन टेन पेंसिल्स हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो का मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है कि जीरो मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे पास पेंसिल आया है कि नहीं आया है। तो कोड में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वो आ जाएगा, कहाँ क्या चेंजेस होगा, कहाँ क्या चेंजेस होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया हमारा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग हम लोग वन से कर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग वन कर देंगे, और ये तो टेन है तो क्या हो जाएगा, वो नाइन तक ही जाएगा, इसलिए इलेवन कर देंगे तो वो टेन तक चला जाएगा, और स्टेप वैल्यू तो वन रहेगा ही, ठीक है। पेंसिल आ गया, पेंसिल नंबर आई, अब हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया, पेंसिल आ गया, पेंसिल नंबर वन से टेन तक आ गया अभी, ठीक है ना, yes. अभी क्लियर है। दूसरा तरीका ये था, देखो इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये था, एक ही लॉजिक पे हमेशा नहीं रहना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है उसमें कहा जाता है कि बच्चों को कोई भी प्रोग्राम को अपने लॉजिक के अनुसार सॉल्व करके मत बताइए, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे का लॉजिक जो है वहीं सप्रेस कर जाता है, बच्चा अपना नया कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको डिफरेंट टूल्स बताइए, लॉजिक उसको डेवलप करने दीजिए, ठीक है। तो इसका एक और मेथड हम बता देते हैं जो तुम लोग को अच्छा लगे, या अपना कोई मेथड हो तो वो भी तुम लोग बना सकते। कंप्यूटर में एप्लीकेबल है सब में, हैं सब में, सब में, सब में, सब में एप्लीकेबल है। आयुष आज जो एनईपी देख रहे हो, देखा नहीं सर अभी तक, हैं नहीं सब में देखा नहीं अभी तक, नहीं नहीं देखे हो, दैट इज अ दैट वाज अ बैड थिंग फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यही कहा गया है कि पहले तो अपने मातृभाषा में पढ़ाइए, बाई लिंग्वल होइए, ठीक है। बच्चों को समझना जरूरी है, इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। दूसरा कि जो भी थिंकिंग हो उसको कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट करने लायक बनाइए, जैसे तुम लोग अकाउंटेंसी बनाते हो, सो दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में होना चाहिए। हम लोग मैथ्स बनाते हैं, तरह तरह का मैथ्स बनाते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, बनाते जाते नंबर लाने के लिए, लेकिन उसका यूज क्या है उसको तो समझना होगा ना। तो इसीलिए देखना एक टर्म यूज होता है, कंप्यूटर थिंकिंग, ठीक है। तो ये न्यूली लॉन्च्ड है और क्लास सिक्स से इसीलिए कोडिंग सिखाया जा रहा है कि बच्चे अपना लॉजिक डेवलप करें और जो काम करे उसको कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कराने की बात करें। ऊपर ऊपर पढ़ने से क्या होगा बताओ, स्किल बेस्ड होना चाहिए ना। yes. तो फिर ये करेंगे, फॉर आई इन रेंज अब हम क्या किए, चलो यहां पर जीरो ही दे दिए, जैसा था वैसा ही रख दिए, है ना। कोई लड़का तो ऐसा भी सोच सकता है ना, या कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि ये क्या हो सकता है, यहां पर हम वन ही दिए,
अब यहाँ क्या किए, अब यहाँ आ गए और इसको पूरा को कॉपी कर लिए। इसको कॉपी कर लिए, वी कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आई के जगह पर क्या किए, यहां जीरो है ना, हम लोग को दिखाना क्या है, वन दिखाना है, वहां जीरो आएगा तो प्लस वन कर दो, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन, ठीक है। वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, देखते हैं इसको रन करा के, अब देखते हैं। कमेंट वाला नहीं हटाएंगे, कमेंट वाला हटा दिए ना, हटा दिए हैं बाद में। अच्छा हाँ, ये वाला हटा देना होगा, हाँ ठीक, इसको हटा देना होगा, हालांकि उसके बाद से वो लेता, कोई दिक्कत नहीं था, वो पहले तो नहीं था, है ना। चलो अभी देखो आगे सेम आया ना, सेम प्रैक्टिकल, मतलब जो आउटपुट है वो सेम है, एक में हम लोगों ने रेंज फंक्शन में चेंज किया और दूसरा में हम लोगों ने आई में प्लस वन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से, मतलब सेम रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। अब एक टास्क हम लोग लेते हैं, इसको यहाँ पर हटा दे रहे हैं, यहाँ पर फिर से इसको कमेंट बना दिया। अब हम लोग के पास टास्क क्या है, अब हम लोग के पास इसको हटा देते हैं, टास्क ये है कि हम लोग को एक सीरीज जनरेट करना है, सीरीज जनरेट करना है, ठीक है। सीरीज क्या कैसा है, यहां पर है थ्री, ठीक है, फिर है फाइव, फिर है सेवन, फिर है नाइन, अप टू ये चला जाएगा हंड्रेड तक, ये करना है और ये जनरेट भी करना है। तो कैसे करना है, वाइल लूप से भी करना है और एंड फॉर लूप से भी करना है, बस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, बताओ तुम लोग कोड बताओगे, हम लिखेंगे पहले वाइल से, सर हाँ पहले वाइल से बना रहे हैं, हम लोग को प्रिंट करना है थ्री फाइव सेवन नाइन, वाइल से, हाँ वाइल से पहले बनाओ, बोलो क्या लिखेंगे। तीन पांच मतलब दो का है यहाँ स्टेप, लिखे फॉर आई इन रेंज, नहीं वाइल से बनाना है, पहले वाइल से बना रहे हैं, पहले वाइल ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू थ्री, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा या कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है तो बता सकते हो, ठीक है। वाइल लिखे, वाइल में क्या लिखे बोलो, ग्रेटर देन उधर वाला संख्या, हाँ तो वो लेस देन बोलो, हाँ लेस देन, ए इज लेस देन, कितना हंड्रेड एंड टू, कुछ नहीं करना है तुमको, हंड्रेड लिखा हुआ ना वहाँ, हंड्रेड दे देना है तुमको, अपने से कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन है मान के चलो। तो हम लोगों को क्या करना है, थ्री फाइव सेवन नाइन डॉट डॉट हंड्रेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इस रेंज में क्या आएगा, हंड्रेड नहीं आएगा ना, हंड्रेड नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, वो कहाँ तक आएगा, नाइन्टी नाइन आ सकता है शायद, है ना, तो हंड्रेड एंड वन, हाँ हंड्रेड एंड वन, तो कोई बात नहीं है, इसमें खाली हम लोग लेस देन हंड्रेड दे देंगे, ठीक है, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू भी देना है तो दे दो, इक्वल टू हंड्रेड, लेस देन इक्वल टू हंड्रेड, चलो ठीक है ऐसा कर दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, हाँ क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखा सर, प्रिंट, पी आर आई एन टी, प्रिंट, हाँ क्या करेंगे, किसको प्रिंट कराना है, ए, वेरी गुड, चलो उसके बाद क्या लिखेंगे,
ए प्लस वन होगा या टू होगा? टू होगा, टू टू होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरवल देखो कितने का है, थ्री फाइव में इंटरवल टू का है, फाइव सेवन में इंटरवल टू का है, इस तरह से टू का इंटरवल है। तो ये हो गया, और कुछ लिखना है क्या? नहीं, अब हम लोग इसको रन करा देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, ये सब जो चीज है इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, है ना, तो वो क्लियर दिखेगा तुम लोग को। रन करते हैं, यहाँ पर लाते हैं, देखो आया। अब कहाँ से स्टार्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये आया हम लोग का थ्री से, देखो थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, इस तरह से ये प्रिंट करता हुआ 99 तक आया, क्योंकि 100 तो आएगा ही नहीं उस रेंज में। तो इक्वल टू तुम एज पर द क्वेश्चन तुमने हम लोगों ने दे रखा है, देखो क्वेश्चन 100 तक था तो ए इज लेस देन इक्वल टू 100 कर दिए, लेकिन 99 ही आएगा इस रेंज में, तो आएगा नहीं, है ना, समझ गए? 100 तो लाना है ना सर? नहीं लाना है, लेकिन ये तो आएगा ही नहीं इस रेंज में, क्वेश्चन में था इसलिए तुमने दे दिया, लेकिन ये तो आना ही नहीं है उस रेंज में, तो आएगा नहीं, है ना? Yes. हाँ सही है, अगर ये टू का इंटरवल होता और टू से स्टार्ट होता तो 100 जरूर आता, ठीक है ना? Yes. Is it clear? सॉल्यूशन सही है था? हाँ सॉल्यूशन सही है, एकदम सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कमेंट बना दिए, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप से बना लो, बताओ क्या होगा? फॉर आई इन रेंज, हाँ चलो ए से बनाए हैं ए से ही बना लेते हैं, फॉर ए इन रेंज, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं रेंज, हाँ अब क्या लिखना है बोलो? थ्री थ्री 101, वेरी गुड, क्योंकि 100 देंगे तो वो 99 तक जाएगा, इसलिए 101 देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, 2 का इंटरवल होगा, है ना, a इज इक्वल टू a प्लस 2 लिखे थे, इसका मतलब 2 का इंटरवल है, तो 2 दिए, इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम लोगों ने कोलोन दे दिया, और यहां पर क्या किए, लिख दिए प्रिंट, क्या करेंगे, क्या प्रिंट करना है, ए, वेरी गुड, ए कर दिए। अब इसको हम लोग रन करा देते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखो फिर से वही प्रिंट आया, ठीक है, 99 नीचे है और ऊपर में देखो 3 5 7 9 11 13, इस तरह से वो प्रिंट कर दिया, क्लियर है? सो इन दिस वे वी कैन सी दैट वी आर यूजिंग व्हाइल लूप एंड फॉर लूप फॉर द सेम पर्पस फॉर क्रिएटिंग दिस सीरीज, है ना? ठीक है ना? यहाँ पर था ये, और यहाँ से शुरू हुआ a इज इक्वल टू 3, ये क्यों नहीं बना, why it is not सर, यहाँ पर कमेंट वाला हट गया, एक मिनट इसको भी कमेंट बना देते हैं, और ये तुम लोग को भेज भी देंगे जिससे इजी होगा तुम लोग को समझने में, हाँ ठीक है। अब जो है मान लो हम लोगों को क्या निकालना है, 2 का सीरीज निकालना है, ठीक है, 2 4 6 8 10, इस तरह से, ठीक है, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू लिखेंगे 2, है ना, while लिखेंगे while, ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू, इसमें 100 कर सकते हैं, ठीक है, और यहां लिख देंगे प्रिंट a, देखो हो गया, ठीक है ना ये,
और कुछ लिखेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 2 हो गया। इसी तरह से हम लोग फॉर वाला भी लिख सकते हैं, ये देखो ये 100 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। देखो 100 प्रिंट किया नीचे, और ऊपर देख लेते हैं हम लोग 2 से स्टार्ट है कि नहीं, देखो 2 4 6 8 9 10 12 ये कर लिया, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन हैव द फॉर लूप, इसका तुम लोग को फॉर लूप में भी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलो कल तो क्लास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या चीज था? फंक्शंस, है ना, लिस्ट, टपल्स, ये सब। लेकिन यहां पर तुम लोग एक रिवर्स वाला बना लेते हैं, तब तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये करवा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। यहां पर हम लोग को एक मान लो 50 ये सीरीज जनरेट करना है, 50 45 ठीक है, 40 अप टू 5 तक प्रिंट कराना है। अब बताओ कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज, एक मिनट, व्हाइल से भी बनाना है। चलो फॉर से बना रहे हैं पहले, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, बोलो 50, चलो 50 कहाँ तक गए? 4, वेरी गुड। और यहाँ पर माइनस फाइव, वेरी गुड, -5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट आई, हो गया। अब इसको रन करा देते हैं, देखो हो गया 40 45 40 up to 5 तक वो प्रिंट ले लिया है ना, ठीक है। अब इसको वाइल लूप से बना लो, वाइल लूप से क्या होगा देख लो, a is equal to 50, a is equal to 50, very good, then while a is, a is, जल्दी बोलो, ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं ग्रेटर देन, ठीक बोले, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, हाँ ठीक है। देन प्रिंट ए, प्रिंट ए, वेरी गुड। नाउ ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, वेरी गुड, ठीक है। किसी को डाउट है कि ठीक है ये? Is it okay, student? Yes, sir. चलो अभी हम लोग इसको रन कराते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। बस देखो वैसे ही रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वाइल लूप और फॉर लूप हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आगे भी अगर कोई डाउट रहता है तो उस क्लास में हम लोग पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, ओके, ठीक है। अर्नव रिकॉर्डिंग जरा हमको भेजिएगा सर, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ओके देन, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं वो तो फाइल बन गया ना, हम भेज देंगे, फाइल भी भेज देंगे। अटेंडेंस का? हाँ अटेंडेंस का, यस, ठीक है, चलो ले लिया, ठीक है, फाइल भी भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, ओके, ओके।